आप सभी का स्वागत है आज के टॉप 10 न्यूज में। आइए नजर डालेंगे आज के देश की 10 बड़ी खबरों पर। पंजाब के बठिंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के आर्मी एरिया में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल कैंटोनमेंट एरिया को सील कर दिया गया। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के घटना के बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कैंट में फायरिंग हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,830 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,76,002 हो गई है। ये पिछले 223 दिन में भारत में दर्ज किए गए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। इससे पहले देश में पिछले साल 1 सितंबर को संक्रमण के सर्वाधिक 7,940 दैनिक मामले सामने आए थे। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 40,215 पर पहुँच गई है। बिहार में भूकंप आने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 5:35 पर आया। फिलहाल इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्णिया के पास जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार आज MSC बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री व NCP नेता अजित पवार और उनकी पत्नी सुनित्रा को बड़ी राहत मिली है। ईडी की चार्जशीट में इन दोनों के नाम नहीं है। हालांकि पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी का नाम जरूर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने विशेष कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं ईडी के अधिकारियों की माने तो इस मामले में अजित पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिला है। इसकी वजह से चार्जशीट में उनका नाम नहीं भेजा गया। बिहार के बाद अब जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में आज सुबह 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आज सुबह 10:10 पर रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि आज यानी बुधवार को बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार यहां चल रही बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर रखा है। वहीं मौसम विभाग ने अब एक और चिंता बढ़ाने वाली जानकारी दी है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी मंगलवार से अगले 5 दिनों तक राज्यों में बेमौसम बारिश के साथ तो कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी होगी। वहीं IMDB के अनुमान के अनुसार राज्यों के कई हिस्से खराब मौसम की चपेट में है। साथ ही यहाँ बेमौसम बारिश जारी, गर्मी के दिनों में 7 राज्यों में बूंदाबांदी होगी। महाराष्ट्र से मिल रही एक बड़ी खबर के अनुसार अब जल्द ही राज्यों के राजनीतिक कायाकल्प होने वाला है। हालांकि इसकी वजह एक ट्वीट है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने किया है। वही इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक तरह से BJP का महाराष्ट्र में अगला प्लान बताया है। इसके साथ ही दमानिया के इस ट्वीट ने राज्यों के राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया। दमानिया ने ट्वीट किया कि काम के सिलसिले में वे मंत्रालय पहुंचा था, वहां एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उनके मुताबिक MVA से 15 विधायक बाहर हो जाएंगे और अजित पवार भी BJP के साथ चले जाएंगे। मुंबई और गोवा के करमली के बीच संचालित की जाने वाली तेजस एक्सप्रेस में 14 अप्रैल से विस्टा डोम का एक और कोच लगाया जाएगा। इससे यात्री सफर के दौरान आसपास के बेहतरीन नजारे का लुत्फ उठा पाएंगे। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विस्टाडोम कोच में कांच की खिड़कियां होती है और इनकी छत भी पारदर्शी होती है। ये कोच मुंबई से पुणे और गोवा के रेल खंडों के सफर करने वाले यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। कोकण पट्टी झरनों, नदियों, घाटियों, सुरंगों, हरे भरे मैदानों और खाड़ियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। पिछले साल सितंबर में मुंबई करमली तेजस एक्सप्रेस में एक विस्टाडोम कोच लगाया गया था। माँ से दुगना प्यार जो करते हैं वो हमारे मामा होते हैं, इसलिए उन्हें मामा कहा जाता है। मामा भांजी का रिश्ता बहुत खास होता है। मामा और भांजी का एक दोस्त की तरह रिश्ता होता है, लेकिन इस रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुई। इस झकझोर देने वाली इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरिंदे मामा ने नाबालिग बच्ची से घर में कोई ना होने का फायदा उठा के दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़के ने अपनी मां के घर आने के बाद उसे उसके साथ हुई पूरी घटना की आपबीती सुनाई।
पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमेरिटस चेयरमैन केशव महिंद्रा का आज यानी बुधवार को निधन हो गया। आज सुबह ही कॉर्पोरेट जगत के लिए बुरी खबर आ गई है। केशव महिंद्रा 99 वर्ष के थे। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की बिलियनियर्स लिस्ट में उन्हें भारत के 16 नए अरबपतियों में शामिल किया गया था। वे अपने पीछे 1.2 अरब डॉलर की संपत्ति छोड़ गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी साल 1963 में उन्होंने थामी थी और इस पद पर वो साल 2012 तक रहे। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।